हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आपकी वीडियो में बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन है वहां पे क्या काम हुआ है तो उसका पूरा जानकारी देने वाले हैं और आपको पूरी अपडेट देते हैं। तो उसके लिए बने रहे वीडियो पर। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद की ज़मीन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले नक्शा था मस्जिद का उसको जो है बदलाव किया गया है और अब नया नक्शा जो है पास हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखे होंगे आप लोग कि उसमें जो है 5 मीनार के साथ है वो नक्शा नया वाला। और अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये पूरी 5 एकड़ ज़मीन है। यह नक्शा पूरा जो है गोल गुंबद की जहाँ पर जो है अब नया नक्शा जो पास हुआ उसमें 5 मीनार होने वाली है। दोस्तों मस्जिद का नया नक्शा इमरान शेख ने बनाया है जो कि महाराष्ट्र से हैं और मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और अप्रैल मई के महीने में जो है सुनने में आ रहा है कि अब काम स्टार्ट होगा। और इसमें अभी भी जो है डिज़ाइन के हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें मेडिकल कॉलेज, कम्युनिटी किचन और मस्जिद के साथ साथ जो है हॉस्पिटल सारा कुछ रहेगा। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। तो पूरी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और ये ज़मीन दोस्तों जो है कृषि फार्म हाउस की ज़मीन थी पहले। और धन्नीपुर की आबादी आप लोग जानते होंगे लगभग 2500 के आसपास है। और रौनाही जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है यहाँ की आबादी लगभग 12000 है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अयोध्या भी जा चुका हूँ कई दफ़ा और वहाँ पर सड़कें वड़कें काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सड़क वगैरह और भी चीज़ें उतना डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है और उतना तेज़ यहाँ पे भी कोई भी काम दिख नहीं रहा है। शायद आगे कुछ शुरू हो तो दिखाई पड़े। तो उसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे टाइम टाइम पे। यहाँ जो है जितना लोगों में जो है हॉस्पिटल और लॉ कॉलेज या मेडिकल कॉलेज बनने से जितना मतलब लोगों के अंदर खुशी थी, तो उस खुशी को जो है लोगों की अब जो है निराशा में ज़्यादातर बदलते दिख रही है। क्योंकि मैं जब आता हूं तो ऑन कैमरा तो किसी से उतना बात नहीं करता, लेकिन तो उन लोगों में जो है निराशा है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो पे ज़रूर। तो आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उसके लिए चैनल पर बने रहें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको जो है पूरा वीडियो अभी आपको दिखाते रहेंगे टाइम टाइम पर जो भी यहाँ पर होगा। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो के साथ। और भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, उसको जाके देख सकते हैं।